नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैथ पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो CHSL 2019 वाले जो स्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट और CGL 2019 जो सेलेक्टेड एस्पिरेंट हैं और जो CHSL 2019 में अपना जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो आप जितने भी एस्पिरेंट CHSL 2019 वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। अब ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन तो है, आप CHSL एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं, CGL एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है, तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है आपकी। तो इस प्रिपरेशन के बलबूते आप ढेर सारे प्राइजेज जीत सकते हैं, 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, उसके अलावा लैपटॉप, स्मार्टफोन, ढेर सारे अमेजन के बाउचर। इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट आपका करा रहा है, 24 तारीख को 12 बजे से ये लाइव रहेगा। इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको लैपटॉप, स्मार्टफोन और ढेर सारे बाउचर और 1 करोड़ तक की जो स्कॉलरशिप है ये मिल सकती है। तो आपके पास एक्सपीरियंस भी है, देखिए कि आपकी प्रिपरेशन क्या उस लेवल की है, बची हुई है या नहीं है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये 24 अप्रैल को 12 बजे से लाइव रहेगा, तो इस लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है, तो आपसे कोड पूछेगा, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है PKV10 और आप इनरोल हो जाएंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये 24 तारीख को 12 बजे से लाइव रहेगा, तो इस टेस्ट में आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल है और देखिए क्या वो पोटेंशियल अभी भी बरकरार है या नहीं है। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में। देखिए, इसके लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, और वेटिंग लिस्ट अगर आ जाती है तो ये जो हम लोग अभी परेशान है CGL 2019 वाले जो एस्पिरेंट हैं वो ढेर सारे CHSL 2019 में भी सेलेक्ट हैं और वो अपना कैंडिडेचर कैंसिल कराएं। लेकिन इसके लिए कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, SSC कोई डायरेक्ट कोई ऐसा लिंक प्रोवाइड नहीं करती है जिसके थ्रू ये अपना कैंडिडेचर कहीं अगर दूसरे एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो चुके हैं तो अपना जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल करवा सके। ठीक है, तो इसके लिए अगर वेटिंग लिस्ट आपका आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो ये एस्पिरेंट हैं अगर ये फाइनली सेलेक्ट नहीं होंगे तो ये हमें मुद्दा ही नहीं उठाना पड़ेगा कि वो कैंडिडेचर अपना कैंसिल करें। वेटिंग लिस्ट अगर आ जाती है तो क्या होगा कि जो एस्पिरेंट बचेंगे तो उनसे नीचे वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वेटिंग लिस्ट होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। SSC में ढेर सारे रिफॉर्म हम लोगों ने कराए हैं, देखिए नॉर्मलाइजेशन जो है उसको भी हम लोगों ने कराया, उसके अलावा ठीक ठाक जो पेपर का स्टैंडर्ड है अब रखा जाता है पेपर में, हर पेपर में। ऐसा नहीं है कि आपका कोई पेपर बहुत ज़्यादा इजी पूछा जाए, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा जाए। उसके अलावा UFM CHSL 2018 वाले जो एस्पिरेंट थे उनको UFM की प्रॉब्लम हुई थी, तो UFM का कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्ट आउट हुआ था। उसके अलावा मेंस एक शिफ्ट में कराना, ये भी SSC ने प्रॉब्लम हमारी सॉल्व की। तो अगर इस पर कहीं ना कहीं माहौल बनाया जाए तो ये चीज़ हो सकती है, वेटिंग लिस्ट हो सकती है। और अगर वेटिंग लिस्ट यहाँ पे हो जाती है, SSC इसके लिए एग्री हो जाती है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगी, उसके लिए जो बड़े बड़े चैनल हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा और हमें कंपेन चलाना पड़ेगा ट्विटर पे। ठीक है, अगर ये वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो इससे जितने भी एस्पिरेंट हैं, चाहे वो CHSL वाले हों, CGL वाले हों, MTS वाले हों, सभी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे ये 2018 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम रही होगी, MTS वाले जो बच्चे हैं उनके साथ ही प्रॉब्लम होगी या आने वाले टाइम में रही होगी। तो कहने का मतलब है, अगर ये वेटिंग लिस्ट का मुद्दा हम लोग उठाएं और ये अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। उसके अलावा जो CGL 2019 में सेलेक्टेड एस्पिरेंट है उन सभी से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग DOPT को या PG पोर्टल पे अपनी ग्रीवेंसेस भेजिए कि आप अपना जो 2019 का जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल करवाना चाहते हैं। इसके लिए आप लेटर भी लिखिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब लेटर पहुँचेंगे, ज़्यादा जब ग्रीवेंसेस पहुँचेंगे तो SSC ज़रूर इस पर विचार करेगी। और ये जो वेटिंग लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, इस पर अगर हम लोग काम करते हैं, सभी लोग एक साथ होकर काम करते हैं, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं जैसे शुभम सर हैं या गगन प्रताप सर हैं, अभिनय सर हैं, अगर एक साथ मिलकर सभी लोग आवाज़ उठाते हैं और वेटिंग लिस्ट हो जाता है तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। और जो भी एस्पिरेंट है, चाहे वो 2019 वाला हो, 2020 वाला हो, 2021 वाला हो, उसको किसी भी तरीके का इस तरीके का काम नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे जो मेन पॉइंट है उसको पकड़िए, वेटिंग लिस्ट, ये अगर हो जाए तो आप सभी का काम चल जाएगा। फिलहाल जो CGL 2019 वाला एस्पिरेंट है
उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ग्रीवेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा फाइल करिए, ताकि एसएससी को इस बारे में पता चले कि हाँ ये ढेर सारे एस्पिरेंट हैं, इनका मुद्दा सिंसियर है और वो कोई ऐसा लिंक प्रोवाइड कराए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। करना क्या है आपको कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, उसके अलावा जो ढेर सारे टीचर हैं, जो ग्रुप हैं, उनको आप लोग जरूर एक बार कन्विंस करिए। और एक बार अगर चीज़ें बनती हैं तो अगर इस पे माहौल बनता है, इस पे हम लोग अगर एक ट्विटर कैंपेन चलाते हैं तो कहीं ना कहीं सभी एस्पिरेंट का यहाँ पे हित होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारी बातें समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।